हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्री बालाजी इंस्टीट्यूट। आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री बालाजी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और जैसे कि अपने चल रहा था कि अपन ऑनलाइन जो अपने असेसमेंट RSCIT के क्वेश्चन आंसर आते हैं, ऑनलाइन जो प्रैक्टिकली होता है 30 नंबर का, उनसे रिलेटेड अपन असेसमेंट जो है चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे थे। तो आज जो अपन कर रहे हैं वो 9 नंबर का जो चैप्टर है, और चैप्टर का नाम है नागरिक केंद्रित सेवाओं की जानकारी, मतलब एक्सप्लोरिंग कॉमन सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, मतलब जो भी अपने को नागरिक सेवाएं जो अपने को मिलती है कौन कौन सी होती है, उनसे रिलेटेड अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर नंबर 9 है, तो उनसे रिलेटेड अपन क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आयकर रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, मतलब जिसको क्या बोलते हैं अपन ITR बोलते हैं। तो ITR क्या है ये पूछ रहा है कि ITR क्या होता है। ITR की फुल फॉर्म दे रखी है इनकम टैक्स रिटर्न क्या है, तो उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए है, एक प्रमाण है कि आपने अपनी रोड टैक्स का भुगतान किया है, तो आपको पता है भी इनकम टैक्स है तो रोड का तो नहीं आएगा। नेक्स्ट है, एक प्रमाण है कि आपने अपनी इनकम टैक्स का भुगतान किया है। सी है, ए एंड बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो सीधा सीधा ऑप्शन है भी इनकम टैक्स रिटर्न है, तो ये किससे रिलेटेड होता है, अपने इनकम से रिलेटेड होता है कि अपने एक ऐसा प्रमाण प्रोवाइड करवाता है ITR कि अपने एक क्या किया है, इनकम टैक्स का भुगतान किया है। तो इसका राइट आंसर आएगा बी। नेक्स्ट है, वेबसाइट दे रखी है https://irctc.co.in से ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है, मतलब ये एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट को आपको दे रखा है कि इससे क्या किया जा सकता है वो अपन को बताना है। तो IRCTC ये जो वेबसाइट होती है ये अपने किससे रिलेटेड होती है, रेलवे से रिलेटेड होती है। तो देखो क्या दे रखा है, किस क्या काम कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, ट्रेन टिकट प्राप्त कर सकते हैं, आधार कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, या ITR प्राप्त कर सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, ये जो मैंने बता दिया कि इंडियन रेलवे से रिलेटेड जो अपने वेबसाइट है, तो इंडियन रेलवे से रिलेटेड है, तो अपन आधार कार्ड ITR तो भर नहीं सकते हैं, तो इससे क्या प्राप्त कर सकते हैं, अपन ट्रेन का टिकट प्राप्त कर सकते हैं, ट्रेन से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो अपन ले सकते हैं। तो इंडियन रेलवे से रिलेटेड है, तो इसका ऑप्शन ए आएगा, ट्रेन की टिकट प्राप्त कर सकते हैं ऑनलाइन इस वेबसाइट पे जाके। थर्ड क्वेश्चन है, पैन कार्ड आवेदन के लिए अपने ब्राउजर में NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड वेबसाइट को खोले और फॉर्म भरे, मतलब अगर आपको पैन कार्ड के लिए आवेदन भरना है तो आपको दे रखा है स्टेप बाय दे रखा है भी आपको NSDL की जो वेबसाइट है उसको खोलना है और कौन सा फॉर्म फिल करना है, 39A, 49A, 89A या इनमें से कोई नहीं। देखो, अलग अलग टाइप के फॉर्म होते हैं, ITR के भी फॉर्म अलग अलग होते हैं, वैसे ही आपको पैन कार्ड का अगर फॉर्म फिल करना है तो कौन से वाला फॉर्म फिल करते हैं, उसके लिए 49A जो फॉर्म होता है वो फिल करते हैं, उसके लिए अपन किसके लिए आवेदन करते हैं, पैन कार्ड के लिए। तो इसके लिए राइट आंसर आएगा 49A, बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट है, PNR स्थिति ट्रैकिंग, मतलब PNR स्टेटस ट्रैकिंग से क्या अर्थ है, मतलब PNR क्या होती है इसके बारे में बताना है। ट्रैकिंग करती है तो किस चीज़ का, आपने देखा होगा कभी आप ट्रैवल करते हो तो आपने ट्रैकिंग की होगी। तो देखो क्या है, पैन कार्ड की स्थिति का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या आधार कार्ड की स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है, टिकट की स्थिति पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो PNR स्टेटस ट्रैकिंग है, ये आपकी जो भी टिकट की स्थिति है, भाई आपकी टिकट अपन कहें कि कंफर्म हुई है या नहीं है, उसकी स्थिति का स्टेटस का पता लगाने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा सी, टिकट की स्थिति का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, एक इमेज दे रखी है और इस इमेज में आपको बताना है कि किस चीज से रिलेटेड ये पिक्चर है, क्या दर्शा रहा है। तो देखो, ये जो है ट्रेन अवेलेबिलिटी नंबर है, वे आपकी जो ट्रेन है उसमें कितनी सीटें अवेलेबल है उससे रिलेटेड दिखा रखा है। देखो, ऊपर दे रखा है अवेलेबिलिटी ट्रेन नंबर, इस ट्रेन में कितनी क्या है, कितने क्लास है, कितने कौन सा कोटा है वो दिखा रखा है, तो फेयर वगैरह आपको दिखा रखा है। तो देखो क्या दिखा रखा है, ऑप्शन क्या है, सीट की उपलब्धता स्थिति, सीट की उपलब्धता स्थिति और एक रूट की बस सूची, बस सूची। देखो ट्रेन दे रखा है तो सीधा सीधा आपको पता है भी ये एक ट्रेन की क्या दिखा रखा है, सीट अवेलेबिलिटी दिखा रखा है भी, सीट अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आएगा ए।
ये ट्रेन की जो सीट की अवेलेबिलिटी है वो दिखाता है। नेक्स्ट फिर से एक पिक्चर दिखा रखी है, ये सभी जानते होंगे, लोगो है, ये लोगो किस सेवा को दर्शाता है, तो सबको पता है ये जो लोगो आता है आपके आधार कार्ड में आता है, तो इसका राइट आंसर आएगा बी, ये जो लोगो होता है आधार का है। नेक्स्ट फिर से एक पिक्चर वाला क्वेश्चन है, दर्शाए गए चित्र में क्या दिखाया गया है, मतलब क्या शो करता है, तो क्या शो कर रहा है, एक रूट की रेल सूची, एक बस की रूट सूची, या एक रेल की सूची और एक रेट रूट की बस सूची, दोनों, मतलब आपको इसमें आपको देखना है कि ये किस चीज के दिखा रहा है। तो देखो ये आपको सीधा सीधा पिक्चर में ही दिख रहा होगा, ट्रेन्स बिटवीन स्टेशन, मतलब ये क्या दिखा रहा है, एक ट्रेन की दिखा रहा है और कहाँ 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 से कब कितने बजे जा रही है वो आपको बता रहा है, भाई कौन सी ट्रेन है, कौन से जंक्शन से, कौन से स्टेशन से डिपार्चर हो रही है, कहाँ कितने बजे पहुँचेगी वो दिखा रहा है। तो देखो एक रूट की रेल सूची, इसका ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा, एक रूट की रेल सूची दिखा रहा है, मतलब एक ट्रेन की सूची दिखा रहा है, भी वो कहाँ कहाँ कौन से स्टेशन से जाएगी वो दिखा रहा है। नेक्स्ट एट नंबर का क्वेश्चन है, आयकर रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न क्या है या आईटीआर क्या है, वही पीछे क्वेश्चन भी आया था, अब क्या है ये बता रहा है कि एक प्रमाण है कि आपने रोड टैक्स का भुगतान किया है, एक प्रमाण है कि आपने इनकम टैक्स का भुगतान किया है, वही क्वेश्चन बार दोबारा रिपीट हो गया है, तो इसका वही आएगा, इनकम टैक्स का भुगतान किया है, बी आएगा, क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया, उसके लिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल से निम्न कार्य कर सकते हैं, मतलब राष्ट्रीय जो नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल है उससे आप क्या कर सकते हो, तो क्या कर सकते हो, फर्स्ट ऑप्शन है चुनाव सूची में नाम खोज सकते हैं, सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं यदि कोई है, तो अगर आपके वोटर आईडी में कोई नाम गलत है तो उसमें कोई सुधार करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, या फिर सी ऑप्शन दे रखा है नई पंजीकरण के लिए अंग्रेजी हिंदी भाषा में आवेदन कर सकते हैं, उपयुक्त सभी, मतलब आपकी जो अपन कहें कि वोटर जो सर्विस है पोर्टल है उसमें आप सभी काम कर सकते हो, अपना चुनाव में आपका नाम आएगा कि नहीं आएगा, आपने अगर कोई वोटर आईडी में कोई चेंजेस करवाना है, बदलाव करवाना है तो वो भी आप करवा सकते हो, और अगर आप कोई नया पंजीकरण करवाना चाहते हो तो वो भी करवा सकते हो, तो इसका राइट आंसर आएगा डी, सभी कार्य कर सकते हैं, तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट है व्यू रिटर्न या फॉर्म्स विकल्प से क्या कर सकते हैं, मतलब आपकी वेबसाइट है जो आईटीआर की वेबसाइट है उसमें एक ऑप्शन आता है व्यू रिटर्न या फॉर्म, तो इस वाले ऑप्शन से क्या कर सकते हैं वो आपको बताना है, तो एक प्रमाण है कि आपने अपनी इनकम टैक्स का भुगतान किया है, आपने द्वारा दायर पुरानी आईटीआर पुनः प्राप्त कर सकते हैं, या एक प्रमाण है कि आपने इनकम टैक्स आप भुगतान किया है और अपनी पुरानी आईटीआर प्राप्त कर सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। देखो व्यू रिटर्न या फॉर्म्स का मतलब है कि आपके द्वारा जो भी पुरानी आईटीआर भरी गई थी उसको आप दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, दोबारा से देख सकते हैं, तो इसका राइट आंसर आएगा केवल बी, केवल आप उसको देख सकते हो, पुरानी वाली को आप दोबारा से भुगतान नहीं करोगे तो उसके लिए तो अलग ऑप्शन आएगा, तो बी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कि क्या आप पासपोर्ट के लिए आवेदन ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं, यस या नो में आंसर देना है, तो ऑनलाइन भी आप क्या कर सकते हो, पासपोर्ट बनाना चाहते हो तो उसके लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, तो इसका राइट आंसर होगा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप अपना आधार कार्ड विवरण निम्न माध्यम से संशोधित कर सकते हैं, मतलब आपके आधार कार्ड में कोई मिस्टेक है, आप उसमें कुछ करेक्शन करवाना चाहते हैं तो कौन सी विधि से करवा सकते हो, ऑफलाइन विधि से, ऑनलाइन विधि से, ए बी दोनों से, तो देखो ऑनलाइन भी करवा सकते हो और ऑफलाइन भी करवा सकते हो, दोनों से करवा सकते हो, तो इसका राइट आंसर आएगा सी। नेक्स्ट है निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई थी, राष्ट्रीय जो मतदाता सेवा पोर्टल जो सर्विस जो वोटर सर्विस पोर्टल है उसकी शुरुआत कब की गई थी, राष्ट्रीय सामाजिक सेवा दिवस पे, राष्ट्रीय चुनाव दिवस पे, या राष्ट्रीय मतदाता दिवस पे, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल है इसकी शुरुआत राष्ट्रीय मतदाता दिवस पे ही की गई थी, तो इसका राइट आंसर आएगा सी। नेक्स्ट फिर से यस या नो में आंसर देना है, एलपीजी गैस सिलेंडर बुक
घर बैठे एक बटन क्लिक करके आराम से किया जा सकता है। तो भी आप एलपीजी गैस सिलेंडर बुक करना चाहते हो तो एक बटन क्लिक मतलब आप घर बैठे ही बुक कर सकते हो या नहीं तो बिल्कुल कर सकते हैं। ऑनलाइन आप गैस सिलेंडर भी बुक कर सकते हो तो ये भी फैसिलिटी आपकी ऑनलाइन है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, हाँ आएगा बिल्कुल यस, बी ऑप्शन इसका सही है। और लास्ट अपना क्वेश्चन है, पैन का पूरा नाम क्या होता है, पैन PAN जो पैन कार्ड अपन बनाते हैं तो उसमें जो पैन है उसका फुल फॉर्म पूछा है, तो क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर या परमानेंट असेट नंबर या परमानेंट एक्सेस नंबर। तो देखो पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, जितने भी अपना बनता है अपना एक पैन कार्ड बनता है जिसमें अपने को एक परमानेंट लाइफ टाइम एक नंबर मिलता है तो वो दे सकते हैं। तो इसका फर्स्ट ए ऑप्शन सही है। तो ये 15 क्वेश्चन अपने 9 नंबर का जो चैप्टर है उससे रिलेटेड है और ये 15 में से कोई 10 आपके असेसमेंट में आएगा। तो ये वीडियो देख के आप इजीली 10 के 10 क्वेश्चन सही कर सकते हैं।